Assalamualaikum. My name is Dr. Shoktali Sethi. Welcome to my YouTube channel, Homeopathy Doctors Training Academy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर्स तुलबा व तालबात के अलावा मुफाते अम्मा की रहनुमाई के लिए भी बनाया गया है. तो आज मैं आपको रोज़े के दौरान होने वाले तिब्बी मसाइल का बताऊंगा. जैसा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में क्लिनिक पर मरीज़ आते हैं और सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, रोज़ा रखने के बाद प्यास की शिद्दत महसूस होती है, रोज़ा रखना भी ज़रूरी होता है, इसका कोई हल निकालें. क्या आपको भी रोज़े के दौरान प्यास ज़्यादा लगती है? रोज़े के दौरान प्यास को कैसे कंट्रोल करें? रोज़े की हालत में प्यास लगना एक नेचुरल फिनामना है, लेकिन होम्योपैथी में इस मसले का हल भी मौजूद है. रोज़े के दौरान अगर प्यास ज़्यादा लगती हो, मुँह, ज़ुबान, होंठ खुश्क रहते हों, तो सुबह सहरी से पहले और शाम इफ्तारी से पहले ब्रायोनिया एल्बा दवाई इस्तेमाल करें. इस दवाई को 2 से 3 दिन लगातार इसी तरीके से इस्तेमाल करें. इंशाल्लाह आपका पूरा रमज़ान अच्छा गुजरेगा. शुक्रिया.